आज तो तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे, जितना मर्जी तुम छुप लो, जितना मर्जी चाहे तुम मट्टी के बर्तन के पीछे छुपो, चाहे तुम फ्लाइंग करके ऊपर चले जाओ, आज तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। वो भाई साहब देखे, वो देखे फ्लाइंग करने लग गया, ये आ गया हाथ में जी, ये आ गया। दोस्तों ये साइबर फिंचीज का बेबी है, जब भी हम आते थे इसे देखने के लिए पीछे मट्टी के बर्तन के पीछे छुप जाता था, आज इसे हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। देखें यार कितना प्यारा लग रहा है, कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया, फ्लाइंग भी करने लग गया, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा डरता है। इसका मेल आया हुआ बार वो देखे सामने बैठा हुआ है और इसे ढूंढ रहा है, इसे मैंने अपने हाथ में रख रखा है। देखें दोस्तों माशाल्लाह, जब हमने पहले नीचे छोड़ा था, पहले छोटा सा था, माशाल्लाह बड़ा हो गया, फ्लाइंग करने लग गया। अब इसे अंदर छोड़ देते हैं, ये फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये ना हो जो फिंचीज नीचे आकर बाहर फ्लाइंग करने लग जाए, फिर हाथ में नहीं आते। इसको छोड़ देते हैं हम अंदर, चलो भाई साहब भाग जाओ। देखें माशाल्लाह से फ्लाइंग भी करने लग गया, वो देखें इसके मट्टी के पीछे छुप जाए, ये देखें बर्तन के पीछे छुप जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो? दोस्तों हम भी जब भी अपने मिनी जूम में फीड वगैरह बर्ड्स को देखने के लिए आते थे तो हमारा फिंचीज का जो बेबी होता था ना, मट्टी के बर्तन के पीछे छुप जाता था। आज हमें उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पकड़ के आपको दिखाया है। माशाल्लाह अब तो फ्लाइंग करने भी लग गया, दिनों दिनों में फ्लाइंग करने भी लग गया। मेरे ख्याल में इनके मटकियों में और भी एग आए हुए हैं और बहुत जल्द और भी नए बेबी आने वाले हैं। रानी के अभी तक मुझे दोस्तों पता नहीं लग सके कि इनके एग से बेबी अभी तक आए हैं या नहीं आए, क्योंकि रानी हटती नहीं है, दो दो बैठी हैं फीमेल एग के ऊपर, अभी तक हटती नहीं है, हटने का नाम भी ले रहे हैं। फिर हम कैसे देखें, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो है ना मेरे बर्ड बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कर जाते हैं। ये देखें नहीं भाई साहब, एग मेरे ख्याल में ख़राब हो गया है। और ये देखें, ये हर वक्त जो है ना बाहर फ्लाइंग करके निकल जाता है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें फिर भी देखें, ये देखें हाथ से निकल गया भाई साहब, ये रहा फ्लाइंग करके जा रहा है। ये देखें बाहर, जहाँ मर्जी चला जाओ तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हर रास्ते तुम्हारे लिए बंद है। और देखें दोस्तों मैंने पकड़ लिया, देखें किसी तरह चील की तरह जो है ना अपने पैर को फ्लाइंग करके दिखा रहे हैं। और देखें काटे कर रहे हो, काटे कर लो ओए भाई, तुम जाओ भाई, तुम अंदर जाओ, तुम बाहर के लायक नहीं हो। दोस्तों इतने ज़ोर से काटे किया है इसने मुझे, देखें यार वो भाई साहब इसने बहुत ज़्यादा काटे करते हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया यार, इतने फनी लगते हैं जितने हैं नहीं है। देखें दोस्तों अब रानी बाहर आई बैठी है, इसने क्या शायद पानी आ गया इसलिए पानी पी लूँ, तो इनको फीड वगैरह भी देती है, नीचे से बाल्टी वगैरह भर के लेके आएँ, आज इनके लिए दाल भी उबाइल करके लेके आएँ, वो भी अपने बर्ड्स को खिलाएंगे। और हमारा टोटो साहब को देखें, आज हमारे से नाराज़ हुए बैठे हैं, पीछे की तरफ मुँह करके बैठा हुआ। टोटो साहब सीधा मुँह करो अपना, नहीं कर रहे क्या वजह? देखें दोस्तों इसकी फीमेल सामने बैठ के हमें हर वक्त देखते रहते हैं, हम जब भी अंदर आते हैं ना इसी फीमेल बॉक्स के अंदर बैठ कर ना, छोटा सा सुराख है इसके अंदर, उसके अंदर आंख से देखती है, आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा फिंचीज़ का कंगनी वगैरह या कुछ सूरजमुखी का बीज वगैरह गिरता है तो बाहर वाली चिड़िया वगैरह आती हैं, इधर सारा दिन खाती पीती रहती है। अच्छी बात है, खाते पीते रहेगा और दो तीन दिन तुम्हारे बाद मैं ये जो है ना नए नए मतलब कि डब्बे लेके आऊँगा, उसके अंदर कंगनी चीना फीड डाल के ना रख लूँगा, चिड़िया वगैरह आएंगी खा लिया करेंगी। यार तुम हर वक्त अंदर क्यों बड़े बड़े रहते हो, ना तुम्हारे एग से बेबी निकलते हैं और ना ही तुम्हारे कुछ निकलते हैं। और देखें दोस्तों हर वक्त डरते रहते हैं यार, देखें चुटकी को पता नहीं क्या हो गया, वो भी जो है ना ढीली हुई मुझे लग रही है, इसके बाल भी उड़ गए हैं और मुझे ढीली होती लग दी है, इसने एग भी दिए हुए हैं, दो एग दिए हुए हैं, पता नहीं इन्हें क्या होता जा रहा है यार। इंशाल्लाह ना लव बर्ड्स है ना, बस मैं ये दो एग पेयर मैं ना ये दे कर ना इनके लिए कुछ नए बर्ड्स लेके आऊँगा, क्योंकि मैं वो बर्ड्स रखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेचुरल तौर पर वो खुश रहें और डरें नहीं और अच्छे अच्छे लगें और सामने नजर आएँ। ये हर वक्त मटके में बड़े रहते हैं दोस्तों, ना ही इनका पता लगता है, ना ही एग से बेबी निकालते हैं, तो इंशाल्लाह बस ये ना एक दो दिन बाद हमें अपने लव बर्ड्स को दे रहे हैं, इनके लिए कोई और नए टेम बर्ड्स लेके आएंगे। हमने अपने फ्यूचर में प्लान सोच रखे हैं, हम अपने मिनी जूम के अंदर टेम बर्ड लेके आएंगे जो कि बहुत हैप्पी होंगे और बहुत ज़्यादा फनी होंगे, हम वो लेके आएंगे। ये लव बर्ड्स हम दे देंगे इंशाल्लाह, बस दो या तीन दिन के ये मेहमान है, लव बर्ड्स भी और एंड फिंचेस भी, ये दो तीन दिन के मेहमान है, इसको हम देकर हम नए नए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट टेम बर्ड लेके आएंगे जो कि हमारे मिनी जूम में अच्छे रौनक मेला ही बचाएं और आवाज़ भी निकालें। तो दोस्तों फाइनली हम जो है ना सब बर्ड्स को एक साथ फीड देकर फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि लव बर्ड्स और एंड बजीज बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है, तो इनको फीड वगैरह देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यार हमने लव बर्ड्स को भी फीड वगैरह दे दिया, इन लव बर्ड्स को भी दे दिया, रिंग नेक को, अमरूद उनकी फेवरेट, सूरजमुखी, पानी वगैरह उनका चेंज कर लिया। तुम क्यों हर वक्त उदास बैठे रहते हो, हालांकि तुम्हारे मैंने बिल्कुल टैच रखा हुआ है तुम्हारे दोनों फार्म, क्योंकि ये जो है ना इसके फादर और मतलब कि इसकी माँ है और वो सामने बैठे हुए इनका बेबी है, मेल फीमेल है दोनों, इनका ये बेबी है और मैंने इनको आमने सामने रख रखा है ताकि इनका दीदार होता रहे, और ये फिर भी उदास बैठा रहता है, क्योंकि अकेला है ना, जारी बात है बर्ड उदास तो होएगा, क्योंकि वो एक पेयर बन गया और ये बिल्कुल अकेला बैठा रहता है। दोस्तों टोटो की फीमेल हमें देखती जा रही है, क्योंकि क्या है कि जब हम बाहर जाएंगे तभी बाहर निकलेगी। मेल जो माशाल्लाह से वो बैठा रहता है, आज वो भी हमारे से गुस्सा होकर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या इसे नाराज़ किया, क्योंकि वो परली तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। देखें परली तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, इस तरह मुंह कर लो,
डराते नहीं यार, ऐसे थोड़ा सा डराते हैं ना, ये फ्लाइंग करके उस टैंक के नीचे वाले टैंक के ऊपर बैठ जाता है, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते। टोटो तुम्हारी फेवरेट डिश आज मैंने डाली है नीचे, उबाल जो दाल वगैरह है ना ये उबाल करके मैंने रख के दिया, और सूरजमुखी भी है और इनकी मिक्स फीड भी है और पानी भी है। मज़े से खाओ, खुशी खुशी रहो और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते रहो। दोस्तों ये अजीबोगरीब आवाज़ें बहुत ज़्यादा निकालते हैं, अजीबोगरीब जैसे गाय भैंस बकरी की आवाज़ बहुत ज़्यादा निकालते हैं, सारा दिन शोर मचाए बैठे रहते हैं। मैं तो होता नहीं हूँ, लेकिन घर वाले बताते हैं कि ये अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते रहते हैं। और हमारे फिंचीज़ के काम देखें, मुंह में पता नहीं इसने क्या उठाया हुआ है, कि नेक्स्ट मटेरियल बना रही है, इसलिए इसने मुंह में ना अजीब वगरीब चीज़ें उठा कर नीचे नीचे से। और दोस्तों ये सारे सीमट खाई जा रही है हमारे मिनी जूम की, बिल्कुल ही साफ करते हैं, खाली ईटें नज़र आ रही हैं, और ऐसा ऐसा करके नीचे वाले सब सीमट ये खा रही हैं। मैंने दो तीन दफ़ा सीमट लगाई फिर भी खा जाती हैं यार, पता नहीं इसका समझ नहीं आ रही ये क्यों ऐसा करती हैं। दोस्तों रानी बाहर निकली हुई है और इसके एग मैं अभी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वाले एग से इनके बेबी निकलेंगे, क्योंकि यार ये एग जो है ना ख़राब हो गया, शायद निकल भी आए लेकिन मुझे नहीं लग रहा इनके एग से बेबी निकलें क्योंकि वो ख़राब हो गए। जा रहे हैं तुम बाहर आ जाओ। दोस्तों ये बाहर निकलते हैं, देखते हैं मुझे, फिर अंदर चले जाते हैं, मुझसे ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। जितने मर्ज़ी डर लो, तुम्हारे दो या तीन दिन तुम इधर के मेहमान हो, फिर तुम चले जाओगे इंशाल्लाह, फिर तुम्हारे बदले हम तुम्हें याद तो बहुत करेंगे, लेकिन क्या करो, तुम ना एग से बेबी निकालती हो और ना ही हमारे दोस्त बनते हो, तो नए नए हम दोस्त लेके आएंगे, तुम हमारे दो तीन दिन के मेहमान हो। और तुम भी सुन लो जो उदास बैठे हो, अपने बहुत सारे दोस्तों में चले जाओगे, तुम नए नए बर्स के साथ चले जाओगे, हमारे पास सिर्फ तुम दो या तीन दिन के मेहमान हो, हम तुम्हें दे देंगे। चलो जी, हमने बाल्टी वगैरह उठा ली और हम जा रहे हैं बाहर, और इनको अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये फीड वगैरह खाएंगे, सुबह अगर नाश्ता करेंगे। फिंचीज भी नीचे एक बजे एक शुरू होगी आने के लिए। हमारा टोटो बैठा हुआ है गुस्से में, पता नहीं क्या रीज़न है, हम बाहर जाएंगे फिर ही आएंगे। फाइनली दोस्तों मिनी जूम से बाहर आ गए हैं और हमारे बाल जो है ना फीड वगैरह खाएंगे, और सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह से धूप आई हुई है हमारे मिनी जूम के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह धूप जो है ना गर्मी वाली धूप है, ठंड वाली धूप नहीं है। तो हम जो है ना इधर से कपड़ा लगाएंगे अपने बर्स के लिए, छाए वगैरह लगाएंगे, फिर नए नए पर्स आना पैड्स आने वाले हैं ना, तो उनके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि इनकी केयर करना। और देखें फिंचेस नीचे आ गई हैं, फीड वगैरह भी खा रहे हैं, पानी वगैरह पी रही है, वो पहले आ जाती थी, अब वो भी ज़्यादा डर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद पर फुला को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल की नई वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और यार चिड़िया वगैरह आएंगी, इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, देखें उधर शोर मचाई बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए इधर कोई बर्तन वगैरह लेके आएंगे, इनके लिए इतने सारे फीड रख देंगे ताकि सारे दिन खाते पीते रहे, हमारे बर्ड्स के साथ खुशी खुशी फिरते रहे।